अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअरों, के हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक हो। सो हम वीडियो शुरू कर रहे हैं, और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं ऊँटनी के लिए थोड़ा सा घास लेकर हम पत्नी इसको किया दें और डाची को देते हैं। डाची किस तरह खाती देखें, ये डाची खा रही है। डाची के मुँह ने मैंने दे दिया और डाची बड़े मज़े से खांदी पई है। और छोटा तोड़ा भी इधर से माँ को दे दखलोता है और वो आता है कि मुझे भी एक लुकमा दे दे, लेकिन डाची जो है वो खुद खा रही है और बच्चे को नहीं दे रहा। उधर ऊँट भी देख रहा है कि मुझे थोड़ा सा दींदी है, लेकिन ऊँटनी जो है वो सिर्फ आप खांदी पई है और अपने बच्चे को नहीं दे रही। तो देखते हैं इधर छोटे तोड़े के पास हम लखन जाते हैं और तोड़ा क्या करता है। डाची जो है लत्ते मार रही है, डाची नू माक पटींदी पई है, चाक मरींदी है और डाची जो है वो लत्ते मारती है। आज हमारा पीटर ख़राब हो गया था, हमारा बड़ा नुकसान हुआ था और थोड़ी देर पहले हमने उसको उसका काम करवा दाए खराद वगैरह पर गए थे और उसको मिस्त्री आया हुआ वो ठीक कर रहा है। वीडियो में भी आप देखेंगे आगे जाकर। तो कल चलता चलता पानी कणक को हम लगाते पे थे और पीटर यकदम खल हो गया। जब हमने उसे खुलवाया तो कई चीज़ उसकी टूटी फूटी हुई थी, फिर वो हमने नवी पवाई हैं और मिस्त्री जो अभी वो उसको जोड़ रहा है। तो मैं इधर वीडियो बनाने आ गया हूँ। डाची के लिए पट्ठे लाया, डाची को पट्ठा खवाया है मैंने और कुकर देखो वो खुरानी में बढ़ रही है और इसको ये ऊँट कुछ नहीं कहता। पता नहीं इस कुकर को क्या है और इसे ऊँट कुछ नहीं कह रहा। कुकर को भजा देते हैं हम। हमने भजा दिया, कुकर भज गई है और इधर छोटे ऊँट जो है वो उधर खड़ा है। मैं उधर जाता हूँ छोटे ऊँट के पास तो देखते हैं वो खलोता है या मल जाता है। डाची लत्ते मार रही है बार बार, डाची को आज फिर ज़्यादा तंग कर रही है मक। कोई हम स्प्रे वगैरह घिन आएंगे इस डाची के लिए। अगर आप दोस्तों को किसी को पता है कि कौन सा स्प्रे घिनवाए तो दस डे सौ, अगर किसी को ना शाक दा पता हो तो तलू लिख के सानू आप बता दे से देंगे कि हम केड़ा ले आए। वो इंशाल्लाह स्प्रे भी करेंगे ताकि डाचियों को मक्खी तंग न करे। उधर ऊँट को भी तंग कर रही है। इन बकरों को हमने अलहदा पट्ठे गते हैं के राज कर खा लें। हमारा पीटर ख़राब हो गया था, इसको हमने जुड़वाया है। ये मिस्त्री आया बैठा है और इस पीटर को हमने फडिशन से इधर उतार कर इसको साफ भी किया है, बिल्कुल साफ़ हो गया। ये इसका कनेक्टर राड पड़ा है और साथ ये बैलेंसर है, ये बैलेंसर है मोबलैल देता है और ये कनेक्टर राड है। और ये पीटर का अंदरूनी से हमने बिल्कुल धो रखा है, साफ़ हो गया। इधर मोबलैल पड़ा है, इधर दूसरा सामान है। ये करंक बन दी पई है, इसको मिस्त्री हथवाड़ी से सट्टे मार रहा है, इस पर बैरंग ठोक रहा है। मिस्त्री छीवड़े और हथौड़े से सट्टा मार रहा है, बैरंग को ठोक रहा है, बैरंग ठोक गया है। अब चेक कर रहे हैं, करंक पर बैरंग फिट हो गया, बैरिंग को मोबलैल नींदे पाया है, ऐसे ऐसे फेर के बैरिंग बिल्कुल रनिंग हो गया, बेआवाज़ हो गया। ये हमारा पीटर पंजी हार्स पार्ट का है, पंजी हार्स पावर का है। ये इसकी प्लेट इधर पड़ी है, दूसरी गरारी वगैरह जो जो सामान इसका इधर पड़ा है, इस बाटी में पई हर्ष है। इधर डीजल है, डीजल से प्लेट को हम धो रहे हैं। उधर क्रैंक जो फिट हो गई है। ये पीटर का पिस्टन टंगे खलोता है
और साफ भी किया हुआ है। ये पिस्टन है, ये हमारे पीटर का चक्कल पे है जिसको व्हील कहते हैं। ये छेले को हमने अलग-अलग पट्टे करते हैं, देखो ये छेले पट्टे खा रहे हैं लूसन के। ये छेला बहुत अच्छा है और ये भी अच्छा छेला है। हम मैं उल्लू वहीं के आपको दिखाता हूँ छेले को। दूसरी बकरियाँ हमने इधर ढकी हुई हैं, वाड़े में खलोती हैं और ये इधर से ये छेले खलोते हैं। हम तैयार कर रहे हैं इनको, इस डोल में पानी है, इनको जब त्रेह लगी गई तो पी लेंगे। ऊँटनी का तोड़ा ऊँटनी के नीचे पड़ा हुआ है और ऊँटनी को हम अपनी माँ को डाची को ले रहा है। तो अभी कोशिश करते हैं दोनों की, लेकिन डाची ने लत मार के इसको हटा छोड़े। मैं तो थोड़ा इतना पर आऊँ खलो, क्योंकि डाची आप खांदी पी है, थोड़ा तलू निकल गया पर हमसे टप गया है। पता नहीं डाची ने लत भी नहीं मारी। फिर देखते हैं थोड़ा ऊपर खलोता है, हमने तलू ना टप्पा सी देख रहा हूँ मैं, लेकिन अभी टप्पा नहीं है। मुंह तो निकाल लिया थोड़े ने, निकलेगा थोड़ी देर देखते हैं। थोड़ा भजता भजता इधर वहाँ खलोता है डाची के नाल, उधर बड़ी दौड़ लगाई है थोड़े ने, भज के आ रहे है। तेरी है खैर, बहुत अच्छी रफ्तार है थोड़े की, थोड़ा बहुत चंगा भजता है। फिर अपनी माँ के साथ खलो गया है। तो उम्मीद करी ना कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो सी, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आप लोगों की भी हद मेहरबानी कि आपने पहले भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और अब भी करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे। और ये वीडियो फेसबुक पेज पर भी मैं लाता हूँ, उत्ते मैं चाड़ छुड़ी ना होना। फेसबुक पेज का नाम ही बुढ़ाना टैलेंट शो है, आप लोग उतों आ के देख सकते हैं और मेरे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो कहते हैं या फॉलो कहते हैं, कुछ कहते हैं सही, जो भी है वो ज़रूर करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैनू दियो इजाज़त। ओके, अल्लाह।